आपने गोविंद भाई को जिताया तो मैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुर्खी को रेल लाइन से जोड़ने की बात करूंगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, गोविंद मेरा भाई है जो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, भाजपा सरकार की बनाई सड़कों पर कांग्रेसी चलते हैं और हमें ही कोसते हैं। मंत्री गोपाल भार्गव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस झूठे वादे करके सत्ता में आना चाहती है, गोविंद सिंह राजपूत। सुर्खी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में गुरुवार को बिलहरा पुलिस ग्राउंड पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आने वाली थीं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं आ पाईं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को फोन करके जनता से क्षमा मांगी और उपस्थित जनसमूह को फोन पर ही संबोधित किया। जनसभा को भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मंत्री गोपाल भार्गव ने संबोधित किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनी है, पूरे विश्व में भारत की अलग ही पहचान उभर कर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार में आज कोई भी हमारे देश को आंखें नहीं दिखा सकता। बड़े बड़े विकसित देश हमारे देश का सम्मान करते हैं। ये नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार है जिसने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बना दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विकास के लिए प्रदेश में ही नहीं केंद्र में हम लोगों को परेशान करते रहते हैं। जनता के लिए उनका ये समर्पण ही है जो आपके लिए मुझसे कई दफा सुर्खी विधानसभा क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ये सुर्खी की जनता से वादा है कि गोविंद सिंह राजपूत को प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाए तो मैं गोविंद सिंह राजपूत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ले जाकर सुर्खी के लिए रेलवे लाइन से जोड़ने की स्वयं बात करूंगा और जल्द ही आपकी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र रेलवे लाइन से जुड़कर विकास के नए आयामों को स्थापित करेगा। रेल मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने किसानों को ठगा है। जहां न महिलाएं सुरक्षित थीं, न सड़क बिजली पानी की व्यवस्था थी, मध्य प्रदेश बदहाल बीमारू राज्य था, लेकिन भाजपा ने प्रदेश को संवारा है। अगर फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो हमारी माताएं बहनें घूंघट में घुट घुट कर मर जाएंगी। रेल मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता ही सनातन विरोधी हो गई है, इसलिए वो हमारे सनातन को गंदी बीमारी कहते हैं। गोविंद मेरा भाई है, उमा भारती। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सभा में उपस्थित न होने पर मोबाइल फोन पर जनसमूह से माफी मांगी और सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह राजपूत और मुझ में सिर्फ इतना अंतर है कि हम एक माँ की कोख से पैदा बस नहीं हुए हैं, लेकिन वो हमारे अविभिन्न अंग हैं। गोविंद मेरा भाई है जो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह राजपूत को भारी मतों से सभी लोग विजयी बनाएं ताकि मेरा सिर भी गर्व से ऊंचा रहे, क्योंकि इंदिरा गांधी के सिर पर नेहरू का हाथ था, सोनिया गांधी के सिर पर इंदिरा गांधी का हाथ था और मेरे सिर पर सिर्फ जनता का हाथ है, जिनके आशीर्वाद से उमा भारती की पहचान है। उन्होंने जनसाधारण से भाजपा को जिताने की अपील की और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मंत्री गोपाल भार्गव का अभिनंदन किया। मंत्री गोपाल भार्गव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्य पूरे प्रदेश में दिख रहे हैं। ये कांग्रेसी हमारी बनाई हुई सड़कों पर चलकर हमारे लिए ही कोसते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि कांग्रेस की सरकार में न तो बिजली थी, सड़क पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जनता को संघर्ष करना पड़ता था। भाजपा की सरकार ने किसान सम्मान निधि, कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना जैसी अनेकों योजनाएं बनाकर हर वर्ग के लिए संबल दिया है। वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास देकर हर गांव की तस्वीर बदल दी है। आज गांव-गांव में पक्की सीमेंटेड सड़कें, नल जल योजना से घर घर पानी, बिजली, स्कूलें और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो पाया है। मंत्री भार्गव ने कहा कि सुर्खी की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को आपके लिए बहुमत के साथ विजयी बनाना है ताकि विकास का ये पहिया और तेजी के साथ चले और सुर्खी विधानसभा प्रदेश में सबसे विकसित विधानसभा बन सके। सुर्खी से भाजपा प्रत्याशी व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि आज हमारे बीच स्वास्थ्य कारणों के चलते दीदी उमा भारती नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने फोन पर ही मुझे आशीर्वाद देते हुए आप सभी का अभिनंदन करते हुए आभार जताया है। ये आपका स्नेह ही है कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ। मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि किसी समय बिलहरा में जल संकट हुआ करता था,
लेकिन अब यहाँ घर घर टोटी से पानी पहुँच रहा है। हमारी माताओं बहनों को कुएं पर पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा। कांग्रेस केवल झूठ बोलकर सत्ता को पाना चाहती है। वो आपकी भावनाओं को नहीं समझती, केवल वोटर के तौर पर आपको उपयोग करना जानती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरफ है, जिसका मूल सर्वे भवंतु सुखना सर्वे संतु निरामया है। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश वेयर हाउस कॉरपोरेशन चेयरमैन राहुल सिंह लोधी, लोधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल सिंह, जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री लाखन सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता व क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। द खबरदार न्यूज से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। माफी मांगती हूं कि मैं आज की सभा में उपस्थित नहीं रह पाई। आपको मुझ में और गोविंद सिंह जी में अंतर नहीं समझना है, क्योंकि गोविंद सिंह जी मेरे से अभिन्न रहे हैं। उन्होंने हमेशा मेरे अच्छे बुरे में मेरा साथ दिया, मेरा सम्मान किया है। हम बस एक माँ की कोख से पैदा नहीं हुए हैं, अन्यथा ये मेरे भाई जैसे। और इसलिए मैंने स्वयं गोविंद सिंह जी को फोन किया था और उनको कहा था कि आप सभी को बुलाया जाए, और क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी, आप सबका आशीर्वाद इनके ऊपर रहता है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि इनके विजय की यज्ञ में मेरी भी एक आहुति पड़ी। बस भगवान की दया नहीं हो पाई तो मैं आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हो पाई। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूंगी कि गोविंद सिंह जी पहले से भी ज्यादा पॉपुलर गीत के आएंगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरा सम्मान बढ़ेगा। आपकी मूछ नीची नहीं होने दूंगी, आपका सिर नीचा नहीं होने दूंगी, आपकी इज्जत नीचे नहीं होने दूंगी। और इसलिए आज आप लोगों से अपील करती हूँ कि पहले से ज्यादा फोटो से गोविंद सिंह जी को जिताइए। इतनी बड़ी जनसभा में आप सबके समक्ष उपस्थित होकर गोविंद भैया के लिए आप सबका आशीर्वाद मानने का जो सौभाग्य मिला है, सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। मेरे अति प्रिय साथी गोविंद भैया को मैं सबसे ज्यादा सबसे पहले नमस्कार करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। गोविंद भैया जिस तेजी से, जिस हिम्मत से और जिस जज्बे के साथ आपकी सेवा करते हैं, सौभाग्यशाली है आप, ऐसा जनप्रतिनिधि मिला जो आपके लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। मेरे पास आके बोले, अश्विनी भाई हमारे एरिया में भी रेन आनी चाहिए। मैंने कहा, गोविंद भैया आप जीत के आओ, मैं आपको साथ लेके मोदी जी के पास जाऊंगा और हम दोनों मिल के मोदी जी के पास डिमांड रखेंगे हमारे सुर्खी विधानसभा को भी कैसे जोड़े, राजा बिलेरा को भी कैसे जोड़े, उसके लिए हम डिमांड रखेंगे। ईश्वर ने चाहा वो दिन भी आएगा। मोदी जी ने कोरोना के टाइम में किसी गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया, 80 करोड़ लोगों के घर तक मुफ्त राशन पहुंचाया। और अब मोदी जी ने निर्णय लिया है और 5 साल तक 80 करोड़ साथियों के घर तक मुफ्त राशन पहुंचेगा महीने के महीने। कांग्रेस विरोध कर रही है उसका, कांग्रेस कोर्ट में जा रही है, इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है, नहीं ये मोदी जी को नहीं देने देंगे ये सुविधा। जिस ग्रुप में कांग्रेस है, जिस ग्रुप में लालू जी है, जिस ग्रुप में केजरीवाल है, नाम है उसका घमंडिया। 60-70 साल देश की हालत खराब की और अब फिर अब वो क्या बोलते हैं कि सनातन ऐसा है जैसे कोई गंदी बीमारी हो, ऐसा बोलते हैं। क्या आपको ये स्वीकार है? क्या आपको ये स्वीकार है? क्या भगवान श्री राम का बड़ा मंदिर बनाने जाए कांग्रेस उसका विरोध करे, आपको यह स्वीकार है क्या? ये कांग्रेस की नीति है साथियों। ये जरूरी है मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से बने। तो साथियों मेरे साथ खड़े होके आप सब दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, खड़े होके और बांधो मुट्ठी संकल्प के, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।